الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وزرياته أجمعين. أما بعد فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم او كما قال عليه الصلاه والسلام رمضان المبارك ك شن باقرة ان شاء الله أميد आइंदा सनीचर के रोज़ से पहला रोज़ा इश् शुरू हो जाएगा जैसा कि पहले भी अर्ज़ किया गया था कि सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्ला मुबारक की आमद से पहले ही रमज़ान की तैयारी और उसका इंतज़ार फरमाने लगते थे और जैसे जैसे रमज़ान करीब आ जाता था वैसे ही आपका षौक़ भी बढ़ता जाता था और के राम साहब कराम रज़ील्लाम को भी आप तैयार फरमाते थे कि बस अब कमर कस लो मौसम बाहर आने वाला है नेकियों का ज़ख़ीरा जमा करने का मौका तुम्हें मिलने वाला है इसको जहाँ तक हो सके वसूल करने की कोशिश करो चुनाचे एक रिवायत तो अभी आपके सामने पढ़ी गई खादिम रसूल सैदना हजरत अनासिबिन मालिक रजी अल्ला फरमाते हैं कि एक मरतबा रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो पैगम्बर अमाम ने सहा से फ़रमाया कि यह मुबारक महीना आ चुका है और इस महीने की बहुत सी ख़ूसियात में एक बड़ी ख़ूसियत ये है कि इसमें एक रात ऐसी आती है कि जिसमें इबादत करने का सवाब एक हज़ार महीने मुसलसल इबादत करने से भी ज़्यादा है जिस रात को हम लोग शब कदर कहते हैं और फरमाया कि जो इस रात में इबादत करने से महरूम रह गया वो सब भलाई से महरूम रह गए यानी बहुत ही बड़ा उसका खसारा हो जाएगा अगर उसे शुभ क़दर न मिली और फरमाया कि जो वाक़ता महरूम हो वही महरूम रह सकता है वरना अल्लाह ताला की तरफ से तो बिल्कुल खुली हुई छूट है जो भी चाहे इससे फ़ायदा उठा सकता है तो इस रिवायत में एक तो तरगीब दी गई कि ये शब कदर इसमें आने वाली है जिसमें एक हज़ार महीनों से भी ज़्यादा ज़्यादा पता नहीं कितना हो अगर एक हज़ार महीने भी हों तो तकरीबन तिरासी साल बैठते हैं इसलिए मुबारक वैसे तो उसका हर कीमती है लेकिन ख़ास कर शब कदर जिसे नसीब हो जाए फिर तो कहने क्या है इसके अलावा एक और रिवायत भी अहादीस की किताबों में मनक़ूल है जिसके रावी हैं सदना हज़रत सलमान फारसी रज़ील्ल तरमाते हैं कि रम़ानमबारक से कुछ पहले शाबान के आखिरी दिन पैगम्बर सलातम ने एक तकरीर फरमाई क्या अब रमज़ान आने वाला है तो पहले ही रमज़ान के बारे में उम्मत को बतला दिया जाए शाबान की आखिरी तारीख़ और आपने उस तकरीर में ये इरशाद फरमाया कि लोगों तुम्हारे ऊपर बहुत ही अजीम बाबरकत महीना आने वाला है जिसमें एक रात ऐसी है जिसकी इबादत का सवाब एक हज़ार महीने से बढ़कर है और उस महीने की खासियत यह है कि अल्लाह ताला ने उस महीने के रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है रोज़ा पहली उम्मतों में भी रहा है लेकिन अलग अलग तादाद थी अलग अलग तरतीब थी इस उम्मत में जो रोज़ा फ़र्ज़ किया गया उसकी तरतीब ये बनाई कि मुबारक के पूरे महीने में चाहे वो उनतीस का महीना हो या तीस का महीना हो हर मुसलमान आकल बालिग मर्द औरत पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है हाँ कोई बीमार हो वाक़ता अगर रोज़ा रखेगा तो हलाकत में पड़ जाएगा तहमुल नहीं है रोज़ा रखने का या सफ़र का मामला है और रोज़ा रखने में परेशानी ज़्यादा है तो उसके लिए रुख्सत दी गई कि भाई अभी छोड़ दो बाद में कजा कर लें लेकिन जो सेहतमंद है अच्छा ख़ासा है खाता पीता है वो किसी वहम की वजह से रोज़ा छोड़ दे तो ये दुरुस्त नहीं है मिसाल के तौर पर आजकल ये वबाई बीमारी चल रही है अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और पूरी उम्मत से और इंसानियत से इस वबा को टाल दे अब कोई यह सोच करके कि भाई डॉक्टरों ने बताया है कि पानी पीते रहो और हल खुश्क ना होना चाहिए और फला है और रोज़ा रखेंगे तो हला खुश हो जाएगा लिहाजा रोज़ा ही छोड़ दो ख़्वा मखा यह जायज़ नहीं है हाँ कोई ख़ुदा न खास्ता इस बीमारी में मुबला हो गया अल्लाह न करे और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भाई अगर तुम रोज़ा रखोगे तो तुम्हें परेशानी ज़्यादा हो जाएगी उसके लिए रुख्सत है वो बात अलग है लेकिन हम और आप जो माशा तंदुरुस्त हैं सही हैं हम जैसों के लिए महजी संदेश से कि अगर रोज़ा रखा तो बीमार हो जाएंगे रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है और इस महीने में रात में इबादत करने को फ़र्ज से कम दर्ज़े में रखा है जिसको अलाह में तत्व कहा जाता है जिसमें नफले भी शामिल हैं सुन्नत भी शामिल है नफलों की शक्ल तो होती है तहजद में और सुन्नत की शक्ल होती है तरावी की सूरत में के इस महीने में आम दिनों के अलावा एक सुन्नत अलग से पढ़ी जाती है ईशा के बाद जिसको तरावी कहा जाता है ये ग्यारह महीने में नहीं है यह सिर्फ रमजान में फरमाया कि इसको नफल करार दिया नफल में सुन्नत भी दाखिल है इसे भी बिला उजर नहीं छोड़ना है क्या भाई मस्जिद में तो हो नहीं रही अब हम कैसे पढ़ें तरावी के लिए मस्जिद होना कोई शर्त नहीं है हत्ता के जमात भी शर्त नहीं है अगर जमात नहीं मिली घर में ना हो पाई तो तनहा तनहा पढ़ें मर्द भी पढ़ें और औरतें भी पढ़ें उसके बाद फरमाया कि इस महीने की खसूसियात में से यह है कि अगर कोई शख्स इस महीने में नफली इबादत करे दो रकत नमाज नफल पढ़े रमज़ान में फ़र्ज़ करो तो फरमाया उसको गैर रमज़ान के फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा और अगर फ़र्ज़ अदा करे तो गैर रमज़ान के सत्तर फर्जों के बराबर सवाब मिलेगा सत्तर गुना तो बिल्कुल लिमिटेड बढ़ा दिया जाता है सवाब। बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला फजल व करम और इनाम है कि अमल कम है और सवाब अजीम शान है इसमें आदमी सदका खैरात करे इसमें और कोई फर्ज बजा लाए तो उसका अजर सवाब बढ़ जाता है सत्तर गुना अब हमारे बाद लोग ये समझने लगे कि भाई जकआत तो रमजान में निकाला करो ताकि सत्तर गुना सवाब मिले बहुत से लोगों का यह जहन बन गया हालांकि ये समझना चाहिए कि सिर्फ रमज़ान ही में ज़कात निकालना ये ज़रूरी नहीं है ज़कात का जो हिसाब शुरू होता है वो मालिक निसाब बनने से शुरू होता है जिस दिन आदमी निसाब के बकदर माल का मालिक हुआ अरबी तारीख़ के हिसाब से उस दिन से उसका साल शुरू होता है अब अगर वो रमज़ान में मालिक हुआ तो रमजान से शुरू होगा शवाल में मालिक हुआ तो शवाल से शुरू होगा मुहर्रम से में मालिक हुआ तो मुहर्रम से शुरू होगा हिसाब जो लगेगा शरीय एतबार से वो उस तारीख से लगेगा जिस तारीख में वो पहली मरतबा निसाब का मालिक बनाए अब आप उसी वक्त निकालने के जिम्मेदार होंगे आप पर वाजिब होगी जकवात कि आप निकालें अब आप उस वक्त भी निकाल सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि वाजिब हो रही है आपकी शवाल में हिसाब उसी वक्त लगाएं लेकिन अलल हिसाब आज निकाल दें नियत जकवात से तो इन श्लाजर षवाब तो मिलेगा ही रमज़ान वाला लेकिन हमें जो बात अर्ज करनी है वो ये है कि एक तो सवाब ये है जो सत्तर गुने का वादा किया गया और एक सवाब मिलता है ज़रूरतमंद की जरूरत पूरी करने पर अब एक आदमी बहुत मोहताज है और शाबान में फ़र्ज़ करो वो बीमार हो गया और इंतहाई गरीब है और उसकी जान बचाने के लिए उसके इलाज पर ख़र्च करने की ज़रूरत है और वो मुस्तक़ के ज़क़़़़़त भी है अब आप इंतज़ार कर रहे हैं ज़क़़़़़त देने वाले के साहब अभी तो रमज़ान आया नहीं हमें तो सवाब कम मिलेगा लिहाजा हम तो अभी नहीं देते इसमें उसकी जान भी चली जाए नहीं जब ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए और आप उस वक्त उसकी मदद करें तो बहुत मुमकिन है बल्कि अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है कि रमज़ान के सत्तर गुना से भी सत्तर गुना ज़्यादा सवाब अल्लाह ताला उसको अता कर देगा क्योंकि ज़रूरत के वक्त में जो अमल होता है उसके सवाब की कोई लिमिट नहीं होती लिहाजा ये तसूर के साहब हमें तो जब भी निकालनी है रमज़ान ही में निकालनी है ये तसुर ठीक नहीं मौका हो सहूलत हो रमज़ान में निकालें नहीं तो जब ज़रूरत पेश आए आप के सामने कोई महताज आए जिसकी फ़ौरी ज़रूरत हो उसका आप ताउन करेंगे तो अल्लाह ताला और ज़्यादा अज़र षवाबत फ़रमाएंगे उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि ये महीना सब्र का महीना है रोजा भी सब्र ही की एक शक्ल है कि जैसे ही रोजा शुरू कर दिया अब भूख लग रही है मगर खाना नहीं खा रहे ये भी सब्र है प्यास लग रही है पानी नहीं पी रहे ये भी सब्र है अपनी मनकुहा हलाल मनकुहा है उसके पास नहीं जा रहे रोज़े की वजह से ये भी सब्र है फरमाया सब्र का बदला जन्नत है और फरमाया कि ये महीना आपस में हमदर्दी का है रवादारी का है एक दूसरे की खैर का है हर आदमी अपने आस पास पड़ोस रिश्तेदार उनका ख्याल रखे फरमाया कि इस महीने में मोमिन की रोज़ी में इजाफ़ा हो जाता है कैसे ही हालात क्यों ना हों लेकिन आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान में दस्तरखान पर अल्लाह की नेमतें ज़्यादा हो जाती हैं ये तो बिल्कुल साफ़ नज़र आता है और फरमाया कि इस महीने की एक ख़ास बात यह है कि जोश इस महीने में किसी रोज़ेदार को कोफतार कराए उसके लिए गुनाहों की मगफ़रत का और जहनम से उसकी गर्दन की आज़ादी का वादा है और कमाल यह है कि इस रोज़ा इफ़ार कराने की वजह से रोज़ेदार के रोज़े का सवाब भी इसे अलग से मिलेगा उसके सवाब में कमी किए बग़ैर और फरमाया कि जब आपने ये इरशाद फरमाया तो साहब कराम रजील तो उस वक्त बहुत तंगी के ज़माने में थे हालात बहुत खस्ता थे तो साहबा ने अर्ज़ किया कि यार रसोल्ला हमारे पास तो रोज़ेदार को इफ्तार कराने का हर एक के पास इंतज़ाम नहीं है तो सवाब हमें कैसे मिलेगा गोया बाल्फाज दीगर ये फरमाया कि हमें तो अपने ही रोज़ा इफ्तार करना मुश्किल पड़ रहा है तो दूसरों को हम कैसे रोज़ा इफ्तार कराएं तो पैगम्बर अलीसाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सवाब उस शख्स को भी अता फ़रमा देंगे जो एक घूंट लस्सी या एक खजूर या एक घूंट पानी पिलाकर किसी रोज़ेदार का इफ्तार करा दे अल्लाह ताला उसे भी इस अजर सवाब से सरफराज फरमाएंगे और भाई किसी के पास वसत हो कि वो रोज़ेदार को भरपेट खाना खिला दे तो उसके लिए तो ये बशारत है कि अल्लाह ताला उसको मेरे हौज कोसर से ऐसा पानी पिलाएंगे कि फिर उसके बाद कभी उसे प्यास नहीं लगेगी यहां तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो अब जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है लॉकडाउन वाली अब इसमें वो तो शक्ल है नहीं जैसा पिछले सालों में थी कि भाई लोगों को बुला के इकट्ठा करके और इफ्तार कराओ या मस्जिद में भेज दो इफ्तार कराने अब ये सब शक्लें आजकल बंद हैं तो अब इसकी सूरत क्या होगी इसकी सूरत कई तरह से हो सकती है एक तो ये कि आप कुछ राशन की चीजें इकट्ठी करके और ऐसे घरों में भेज दें कि भाई वो इंतज़ाम करें अब वो जो उससे इफ्तार करेंगे तो सवाब आपको मिलेगा दूध भिजवा दें और अगर ये भी मुश्किल हो रहा है तो आप इस नियत से रकम दे दें ये सबसे आसान है अब वो जो आदमी उस रकम से रोजे का इंतजाम करेगा तो इंशाला देने वाला इसी सवाब का मुस्तक बनेगा जो हदीस में है हर आदमी अपने पास पड़ोस में इसका लिहाज रखे और देखे उसके बाद आपने इर्शाद फरमाया कि इस महीने के तीन हिस्से हैं एक हिस्सा है अव्वल का अव्वल दस दिन फरमाया वो तो रहमत के नज़ूल वो रहमत के नज़ूल का है इसमें रहमत नाजिल होती है और दूसरा हिस्सा है मगफरत का जिसमें गुनाहों की माफ़ी होती है और तीसरा हिस्सा है आखिरी अशरे का वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है उसमें लोगों को जहन्नम से आज़ादी नसीब होती है और उसी में शब कदर भी है तकरातों में तलाश करनी चाहिए इसलिए हम इस महीने को रहमत के हसूल मौफ़रत के हसूल जहन्नम से आज़ादी के हसूल में गुजारने की कोशिश करें अभी से आज़म और इरादा और तैयारी करें निज़ाम बनाए उसके बाद आपने फ़रमाया कि जो आदमी इस महीने में अपने खादिम के बोझ को हल्का कर दे तो अल्लाह ताला उसे भी मगफ़िरत से नवाजते हैं और जहन्नम से आज़ादी अता करते हैं आपके घर का खादिम है आठ घंटे काम करता है आप उससे चार घंटे कर दें कि भाई तू रोज़ेदार है। ज़्यादा काम उससे न ले और आजकल तो पाबंदी चल रही है जो खादिम घर नहीं आ पा रहे हैं मुलाजिम घर नहीं आ पा रहे हैं। फर्मों के लोग फर्मों में नहीं जा पा रहे तो उनके माहाना मुशाहरे में कोई कमी न की जाए इसी नियत से कि हम उनकी मदद कर रहे हैं तो इन सही नियत से ये काम किया जाएगा तो अल्लाह ताला हमें मौफ़रत से आजादी भी नवाजेंगे जहन्म से आज़ादी भी नसीब होगी अल्लाह ताला तमाह मुबारक को हमारे लिए ख़ैर बरकत रहमत आफ़ियत का ज़रिया बनाए पूरी इंसानियत के लिए उम्मत के लिए और जिस परेशानी में आज पूरी दुनिया मुबतला है अल्लाह ताला उससे नजात अता फरमाए ख़ैर बरकत से नवाजे وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا ابراهيم

इलामीन इला हर खैर से मालामाल फरमा हर शर से महफूज फर्मा जो माह मुबारक आने वाला है अला आलमीन उसकी बरकतों से खूब खूब मालामाल फरमा अवकात के ज़िया से हम सबकी हिफाजत फरमा एक एक लम्हा वसूल करने की फरमा तमाम इबादत को बफ़ियत और बखैर खूबी अंजाम देने की तोफ़ी तरमा इस इसमे मुबारक की पूरी तरह कदरदानी और उसके अहतराम की तोफ़ी अता फरमा और उसकी बरकत से हमारे लिए हर जगह पर आफ़ियत के फैसले फरमा अलामीन हमारे तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा मरहूमिन की मगफरत फरमा बेरोजगारों को हलाल तयब पाकिजा रोज़ी अता फरमा खौफ दहशत के माहौल को अमन अमान के माहौल में मबदल फरमा पैगंबर पैगम्बर असल ने जो कुछ भी खैर की बातें आपसे मांगी हैं वह सब हमें भी अता फरमा और जिन शुरू से पना चाहिए उन सब से हमें भी पना नसीब फरमा हमारे इस वालदे मशाइ अज़ा अकरीबा महब्बिन मतलकिन महसिन मावन सब के लिए खैर के फैसले फरमा वलक महमदबी